हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग कास्ट को अलग अलग फेजेस एंड फेजेस में देख रहे थे कि एक्चुअली मतलब टाइम ड्यूरेशन में देख रहे थे, और हमने बात करी थी कि कास्ट पास्ट में कैसे थी, कॉलोनियलिज्म के टाइम पे कैसी थी, आज क्या रूप है कास्ट का, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, भारत की जब आज़ादी होती है 1947 के अंदर, इसके बाद एक प्रकार से बहुत बड़ा बट अल्टीमेटली पार्शियल ब्रेक देखने को हमें मिलता है कि जो कॉलोनियल पास्ट में, मतलब जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे, अभी तक जो चलते हुए आ रही थी ना परंपरा या कुछ भी उनका रूल था, उस रूल का जो भी इम्पैक्ट था, उसमें हमें एक ब्रेक देखने को मिलता है। और कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेडिशन जब एक कॉन्टिन्यूटी में चल रहा हो, जब उसमें एक ब्रेक आ जाए, तो उसके बाद क्या पता फिर वो अलग तरीके से बिहेव करके चलने लगे, ये चीज़ ठीक है। तो कास्ट जो है, अगर हम लोग कास्ट की बातों को देखें, कास्ट कंसिडरेशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर बात करें, तो इसने बेशक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है नेशनल मूवमेंट की मास मोबिलाइजेशन में। यानी कि कास्ट एक ऐसा फैक्टर था कि जब आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी, ठीक है, उसके अंदर लोगों को एकजुट करने का काम करती थी कास्ट। जैसे अगर किसी के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात उठ गई, जैसे टर्की में, बचपन में सबने सुना होगा, ये टर्की में खलीफा के खिलाफ एक एक्शन हुआ, हिंदुस्तान का ना लेना एक ना देना दो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान चिढ़ गए इस बात से, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, खिलाफत मूवमेंट। सुना है सबने वर्ड खिलाफत मूवमेंट, बचपन में सुना होगा कशिश, यह सबने मयूर वगैरह, है ना, खिलाफत मूवमेंट। हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको और भी इसके इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताऊंगा जो कि एनसीईआरटीज में या फिर स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं होते हैं, खिलाफत मूवमेंट क्या कहते हैं और उसका अलग अलग रूप क्या है, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है, मास मोबिलाइजेशन कैसे नेशनल मूवमेंट के टाइम पर होती थी, कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। जो एफर्ट्स थे कि हमें डिप्रेस क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि डिप्रेस क्लासेस में कोई लोग थे, वो इस प्रकार के एफर्ट्स मार रहे थे कि हमें डिप्रेस क्लासेस को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, पर्टिकुलरली उनमें से भी अनटचेबल कास्ट को एक ऑर्गेनाइज करना है, ताकि एक उनकी करेक्टिव वॉइस कल को कोई भी सरकार हो, कोई भी हुकूमत हो, उसके बहरे कानों तक पहुँच सके, और इनके खिलाफ जो भी छुआछूत होता है, जो भी अनटचेबिलिटी होती है, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोका जा सके, ठीक है। ये चीज़ें होना शुरू हो गई थी नेशनल मूवमेंट से पहले ही, ठीक है, और सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में ये चरम सीमा पर पहुंच भी जाती है। अब ये एक इनिशिएटिव था विच वॉज टेकन फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द कास्ट स्पेक्ट्रम, यानी कि ऐसा नहीं था कि हमेशा नीचे तबके के लोगों, नीचे तबके की कास्ट की आवाज़ को उठाने का काम, डिप्रेस क्लासेस को अपग्रेड करने का काम, या अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का काम, या अनटचेबल कास्ट को एकजुट करने का काम, ऐसा नहीं था कि जो लोग अनटचेबल थे सिर्फ उन्हीं ने इनिशिएटिव लिया, जो डिप्रेस क्लासेस थी उन्हीं से कुछ लोग लेकर आए और उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ऐसा नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे बड़े सारे कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे भी थे जो दोस्तों अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो एक अपर कास्ट से बिलोंग करते हुए देखते थे कि यार हम जो ये पैदा हुए हैं, ना हमारी ये विरासत है, ना हमारा भगवान की तरफ से कोई तोहफा है, हमें ये जो प्रिविलेजेस मिल रही हैं, तो इसका अधिकार जिसको समाज, ये भारत का समाज डिप्रेस क्लासेस बोल रहा है, उसके लिए भी बिल्कुल एकजुट वैसा ही होना चाहिए, इक्वलिटी, इगलेटेरियन के प्रिंसिपल पे उनको भी सारे के सारे राइट्स और सारे अधिकार मिलने चाहिए। तो ये इस एक प्रकार से प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर थे, ठीक है। फिर आवाज़ ऑब्वियसली बात है अपर कास्ट ने तो उठाई, लेकिन लोअर कास्ट के मेंबर्स ने भी उठाई, हम इनको कैसे भूल सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स हैं, उनका नाम जो आपको दे रखा है, महात्मा ज्योतिबा फूले, ये सारे के सारे रिफॉर्मर्स, और इस वाली चीज़ को आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सारे रिफॉर्मर्स थे वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है, अयंकली, श्री नारायण गुरु, योतिदास एंड पेरियार, जिनका पूरा नाम था ई वी रामास्वामी नेकर, ये साउथ में थे, दोनों के दोनों, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर साहब, इन्होंने प्रोटेस्ट चलाए कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को हमें अबॉलिश करना चाहिए। अब यहां पर एक ही एग्जांपल है, देख रहे हो, गांधी जी किसको डिनोट कर रहे हैं, अपर कास्ट को, लेकिन क्योंकि एक रिफॉर्मर है तो वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अंबेडकर
लोअर कास्ट को। कॉमन मुद्दा क्या है? अनटचेबिलिटी। ये भी आवाज उठा रहे हैं, ये भी आवाज उठा रहे हैं, ये आप ऐसे आंसर लिख सकते हो अपना, ठीक है। ये सारे प्रोटेस्ट अपने चरम सीमा पर पहुंच गए और आवाज जोरों शोरों से कास्ट सिस्टम के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ होने लगी 1921 ऑनवर्ड्स। बड़े सारे उस टाइम पर देश में एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम चल रहे थे। कभी भी इसको दोस्तों गलती से भी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स मत लिखा ना। अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स का तो ये मतलब हो जाएगा कि छुआछूत कैसे करवाना है, क्या प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए डिसमिट करने का, ये नहीं। एंटी अनटचेबिलिटी की उसको ख़त्म कैसे करना है, ये कांग्रेस के एजेंडा का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन गए कि कांग्रेस जब भी किसी एक एरिया से यू नो लोगों को एकजुट कर रहा है, अपने कोई उनके लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं या फिर कुछ भी बात हो रही है, लोगों को मास मोबिलाइज करना है उनको, तो ये एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स इनके एजेंडा का, इनके मैनिफेस्टो का कोर एस्पेक्ट होता था, ठीक है। और इंडिपेंडेंस तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, ये चीज़ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि पूरे के पूरे नेशनल मूवमेंट के टाइम पर एक हमें ब्रॉड एग्रीमेंट हर एक कम्युनिटी से, हर एक कास्ट से, हर एक क्लास से ये ज़रूर देखने को मिलता है कि चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे वो लोअर कास्ट हो, कास्ट डिस्टिंक्शंस इस भारत की धरती में अबॉलिश होनी चाहिए, ठीक है। जो सबसे तगड़ा व्यू था जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 90% प्लस रिफॉर्मर्स एग्री करते थे, डोमिनेंट व्यू नेशनल मूवमेंट के टाइम पर ये था कि कास्ट जो है उसको ना सोशल ईवल की तरह ट्रीट करा जाता है, समाज में भेदभाव करने का काम करता है कास्ट, और ये एक प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत जो है उसके हाथ में खिलौना है, जिस खिलौने से वो हिंदुस्तानियों को डिवाइड करेंगे पहले फिर रूल करेंगे। तो अगर कल को आपको ये क्वेश्चन आ जाए, हाउ कास्ट हेल्प इन द प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसका आंसर आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ब्रॉडन करने में, उसके स्पेक्ट्रम को और ज़्यादा हाईलाइट करने में और ज़्यादा दूर तक लेकर जाने में कास्ट एज अ फैक्टर ने कैसे रोल प्ले करा, अंग्रेज़ों ने कैसे इस टूल को टॉय की तरह यूज़ करा और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को वो अपनाया। अब डिवाइड एंड रूल एक ब्रॉड क्वेश्चन होता है, लेकिन कल को कास्ट के ऊपर आए कशिश इवन आपको भी आ सकता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना ऐसे, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ ये, तो और ये वाली एनसीईआरटी तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बट नेशनल लीडर्स अबव ऑल लाइक महात्मा गांधी ये भी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चला रहे थे कि लोअर कास्ट की अपलिफ्टमेंट किस प्रकार से होनी चाहिए। इन्होंने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए बड़ी सारी आवाज़ उठाई, अपनी बुलंद आवाज़ उठाई, और दूसरे जो कास्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं कि वो दोपहर में नहीं घूमेंगे, उनकी परछाई किसी को छूनी नहीं चाहिए, वो कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, वो तालाब में नहाएंगे नहीं, ये सारी चीज़ें भी महात्मा गांधी जैसे रिफॉर्मर्स ने इंश्योर करवाई कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये भी बोला गया, अब यहाँ पर ऐसा भी तो नहीं होता है, हर एक जो पर्सन था जो जिसके पास अच्छी खासी ज़मीन थी, जो बड़ा लैंड ओनर था, सारे के सारे लोग बुरे थोड़ी ना होते हैं। अब एक बार बताओ, अनटचेबिलिटी का एक कॉमन टॉपिक है, अंबेडकर जी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं समझ में आता है, क्योंकि वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। गांधी जी भी तो उठा रहे हैं इसके खिलाफ आवाज़, तो हर कोई अपर कास्ट का बंदा कोई ये थोड़ी ना चाहता है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो, ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहे, हमारे घर में जो नौकर है उससे हम लोग अनटचेबिलिटी खेलते रहेंगे। हर कोई अपर कास्ट का पर्सन जो है तो वो रिफॉर्मर अगर ना भी है तो वो बुरा थोड़ी ना है। तो ये सेम टाइम पर इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर ये एश्योर करवाया गया था लैंड ओइंग अपर कास्ट को, जिनके पास भारी भरकम में ज़मीन थी। क्योंकि हुआ क्या था, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जाओगे ना और बहुत माइन्यूटली अगर उसे पढ़ोगे, तो क्या होता है कि जब कोई लोअर कास्ट को सपोर्ट कर देता था ना, यानी कि अंग्रेज़ों का कोई कानून हो गया, या फिर अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, या ई वी रामास्वामी नेकर, पेरियार वगैरह ने कोई इनके इनके सपोर्ट में आवाज़ उठा ली, तो इनके ना हौसले बुलंद हो जाते थे। फिर ये ना रिच लैंडलॉर्ड्स को मारना, उनके खेतों पे उनके लठ बजाना, उनको जान से मार देना, तो लोअर कास्ट में हिम्मत आ जाती थी। अब इससे क्या हुआ कि कुछ कुछ जो जिनके पास भारी भरकम ज़मीन थी देश के अलग अलग कोनों में, वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने ये दरख्वास्त रखी हमारे नेशनल मूवमेंट के रिफॉर्मर्स के सामने, लाइक अम्बेडकर और गांधी जी और इन सब के सामने,
कि सर जी हम गलत नहीं है, हमने तो आज तक आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं करा कि गांव में कभी कोई डिसमिशन करी हो या कुछ भी करा हो या किसी से जबरदस्ती काम करवाया हो या हम कभी किसी से झूठी पतली उठवाती हो या फिर लेटरिन साफ करवाती हो या कुछ भी, ऐसा हमने कुछ स्टेप नहीं लिया। और हमने सुना है कि बगल वाले गांव के अंदर ये कल को ये सारे के सारे आए थे और ये दलित आकर ये के उसका सर फोड़ गए, हमारे एक रिश्तेदार थे मिश्रा जी का और उसका। तो सर जी हमारी क्या गलती इसमें यार, और इनकी आवाज़ें तो बहुत बुलंद हो गई। तो गांधी जी की तो एक बस आंखें दिखाना और छींक भी उनका बहुत मैटर करती थी पूरे देश में। तो उन्होंने ये एश्योर करवाया अपर कास्ट को कि उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करे जाएंगे, बस आप जो है अनटचेबिलिटी को हटाने के हक में रहना, बस आपके साथ कुछ नहीं होगा, इस चीज़ का दिलासा हम आपको दे रहे हैं, यकीन दिलवा रहे हैं। अब होता क्या है, ऐसे करते करते अनटचेबिलिटी के मुद्दे, हम लोग याद रखना सिर्फ अनटचेबिलिटी के मुद्दे पे हैं, वो तो हम फेजेस डिस्कस कर रहे हैं कि बीसी के एरा में कैसा था, अंग्रेज जब आए कैसा था और जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब कैसा था। मुद्दा सिर्फ एक ही फोकस हो रहा है चैप्टर के अंदर, कास्ट को एबॉलिश करना है, कास्ट के फैक्टर को कम करना है, छुआछूत को यानी कि अनटचेबिलिटी को कम करना है। ऐसे होते होते इन सब चीज़ों पर ध्यान देते देते एक वक्त ऐसा आया हमारा देश आज़ाद हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट जो थी उसमें भी ऐसा नहीं था कि बस ये डेट ये ईयर बदला 15 अगस्त 1947 और इसके अंदर जो भी कास्ट डिस्टिंक्शन अनटचेबिलिटी जो भी कुछ होता था एकदम से उसका रंग रूप चेंज हो गया। जी नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इंडियन स्टेट ने वही वही चीज़ें इनहेरिट करी, वही वही चीज़ें देश की परंपरा के अंदर गवर्नेंस के अंदर रिफ्लेक्ट हुई जो कि पहले से एक चली आ रही है परंपरा के तौर पर। यानी कि 14 अगस्त 1947 तक जिस प्रकार से कास्ट में जो और अनटचेबिलिटी को लेकर जो भी डिस्टिंक्शन डिसमिशन और ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती थी, बस देश आज़ाद हो गया। या इवन आप बहुत दूर तक भी चले जाओ, 26 जनवरी 1950 जब पूरा का पूरा संविधान बनकर भी रेडी हो गया, कास्ट के फैक्टर को हटाया नहीं जा सका है। और ये वाली बात तो आपको वैसे भी पता है ना, ये तो राइटर ये बोल रहा है 2022 तक भी आज भी कास्ट का फैक्टर, अब तो और ज़्यादा डीप होता चला जा रहा है। और यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है इसके ऊपर मेंस के अंदर कि कास्ट का फैक्टर और ज़्यादा हाईलाइट कैसे होता चला जा रहा है, इसको इम्पैक्ट करने के लिए, इसके सिग्निफिकेंस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। जीएस पेपर वन में ऑन वन हैंड स्टेट जो है, स्टेट मतलब यहाँ पर बात हो रही है नेशन स्टेट की, इंडिया की स्टेट जो है वो कमिटेड है कि उसको कैसे भी करके कास्ट को एबॉलिश करना है और एक्सप्लिसिटली इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म के अंदर प्रैक्टिस नहीं करा जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिस्टल क्लियर लिख दी गई हैं। लेकिन दूसरे हाथ पर स्टेट जो है ना वो ना लिख तो देता है, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सिर्फ एक सोल है। अब आत्मा तो किसी काम की नहीं है, कोई पर्सन मर जाए उसके शरीर से आत्मा निकल जाए तो वो तो किसी काम की नहीं रह जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन को उसका फ्लैश एंड ब्लड तो आपको पता ही है कि लॉज उसको उसका मांस और खून देते हैं ना। शरीर में ये तीनों चीज़ें तीनों तत्व होना बहुत ज़रूरी है ना। मांस होना चाहिए, मांस पेशियां होनी चाहिए, खून होना चाहिए और आत्मा होनी चाहिए। आत्मा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसका फ्लैश एंड ब्लड तो लॉज है ना। एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार कभी आज तक इतने कोई ठोस कदम लेने के लिए रेडी ही नहीं हुई कि किस प्रकार से कास्ट जो इनइक्वालिटीज प्रैक्टिस होती हैं इसको हम लोग इसका जो वजूद है इसको गिरा सकें। और कास्ट के फैक्टर को अगर काउंट करना है तो इकोनॉमिक बेसिस पे करा जाए ना। जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी वगैरह है या कुछ भी है तो वो इकोनॉमिक बेसिस पे करो कि जिनके पास पैसा नहीं है कुछ नहीं है तो उनको फ़ायदा दो। पर्सनस लाइक जिनके माँ बाप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं वो SC का सर्टिफिकेट लेकर ऑल इंडिया रैंक वन बन जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा। बात कितनी भी सपोर्ट कर लो कि उनको मिल रखा है ये मिल रखा है इससे, लेकिन चलो ठीक है भाई, लेकिन आपको किस चीज़ की कमी है कि आपने कभी बादाम नहीं खाया या काजू नहीं खाया या आपने मदर डेयरी का दूध नहीं पिया कभी, ये तो फायदा मिलता है ना। लेकिन इकोनॉमिक बेसिस पे अगर आप रिजर्वेशन देना शुरू करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये चीज जो है स्टेट हमसे ये बोल रहा राइटर कि एक तो कर नहीं पाया उसके अंदर क्षमता नहीं और दूसरा वो करना भी नहीं चाहता। करना क्यों नहीं चाहता ये वाली बुक एक्सप्लिसिटली इस चीज को मेंशन नहीं करती है, कोई भी बुक नहीं करती है, क्योंकि फायदा उनको सिर्फ और सिर्फ होता है इलेक्शंस में। आपने दो टर्म सुनी होंगी जिसको मैं पढ़ाऊंगा अभी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इनके ऊपर कभी भी डिफरेंशिएट आ सकता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन हो रखा है हमारे देश के अंदर, और पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट फैक्टर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये इस बुक के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, दो कंसेप्ट को बहुत डीपली पढ़ेंगे। येट एट अनदर लेवल स्टेट ये अज्यूम करता है डेट इफ इट ऑपरेटेड इन अ कास्ट ब्लाइंड मैनर, अगर वो कास्ट को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देगा, सारी चीजें लॉ ऐसे ला दी कि कास्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा, इसकी वजह से होगा क्या, ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू द अंडरमाइनिंग ऑफ कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस। जो कास्ट बेस्ड, कास्ट की कोई कोई पर्सन जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन से है, एसटी एससी ओबीसी है, उनको जो भी प्रिविलेजेस, जो भी फायदे मिलते हैं, जो भी फायदे मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। इवेंचुअली इसकी वजह से होगा क्या, जो कास्ट एज इंस्टीट्यूशन है वो अबॉलिश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जॉब में जो भी अपॉइंटमेंट होती हैं, अपॉइंटमेंट्स टू गवर्नमेंट जॉब टुक नो अकाउंट ऑफ कास्ट, अगर वहां पर कास्ट के फैक्टर को काउंट ना करा जाए, तो वेल एजुकेटेड अपर कास्ट और इल एजुकेटेड या फिर ऑफन इलिटरेट लोअर कास्ट जो है वो इक्वल टर्म्स पे आ जाएंगे, इक्वल टर्म्स पे आ जाएंगे। अब यहां पर होता क्या है, हमारे देश में एससी एससी के लिए रिजर्वेशन होती है, तो इनको ये रिजर्वेशन दी क्यों जाती है, हम लोगों को यूपीएससी के इंटरव्यू में या फिर कोई भी एग्जाम जिंदगी में लिख रहे हैं उसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि इनमें इनके खिलाफ पास में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हुई हैं और इससे अभी तक ये निपट नहीं पाए हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, फिल्टर आउट नहीं करा गया ना आजकल, भाई सारे के सारे एससी एससी ओबीसी, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी ऐसी बिता रहे हो कि जैसे दो वक्त की रोटी भी नहीं है या बहुत गरीब है या कुछ भी है। जिन लोगों को जेन्युइनली फायदा मिलना चाहिए उनको फायदा मिलता नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं है। जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वो सर्टिफिकेट बनवा बनवा के सब कुछ सारे फायदे उठा रहे हैं। तो यहां पर मेन मुद्दा यही आता है जो मैंने आपको ऊपर बताया, इकोनॉमिक बेसिस पे कास्ट को देखना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, जो कुछ दशक आए इमिडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस लाइक 1950s, 60s, 70s, स्टेट ने कोई सफिशेंट एफर्ट नहीं मारा, भारत की सरकार ने कोई एक बहुत गहरा एफर्ट कुछ नहीं मारा कि अपर कास्ट या लोअर कास्ट को इक्वल टर्म्स पे कैसे लाना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल टर्म्स, इसको कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? वही पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से वोट बैंक पॉलिटिक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होती चलती है। मैंने कल ही पढ़ाया था ये वाली बात, आपको लगता है कि अगर बिना कास्ट के फैक्टर को इलेक्शन से निकाल दिया जाए तो कोई भी पार्टी जो अभी तक इलेक्शन जीतते आती है फिर वो जिस मैनर में इलेक्शन जीतती है कभी जीत सकती है, बताओ? कास्ट के फैक्टर को निकाल दिया जाएगा तो इस देश से ऐसा नहीं होगा ना। तो जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है स्टेट की और जो ग्रोथ होती है प्राइवेट इंडस्ट्री की, ये भी कास्ट को इनडायरेक्ट मैनर में अफेक्ट करता है। कैसे? जैसे ही देश में भयंकर लेवल पे इंटेंसिफिकेशन के साथ, मतलब भयंकर लेवल पे और स्पीडअप हो जाता है जब प्रोसेस इकोनॉमिक चेंज लाने का, तो कास्ट का फैक्टर डिग्रेड होता चला जाता है। और ये कशिश, ये वाली बात हम कम से कम 14-15 बार पढ़ रहे हैं वाली बात है ना, कि जैसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे देश की बढ़ती है तो फिर कास्ट फैक्टर ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है ना। कंट्री कोई भी LDC है, एपेक्स लेवल पे कास्ट, डेवलपिंग है थोड़ा सा कम होगा वो फैक्टर, और डेवलप्ड कंट्री बन गई तो ऑलमोस्ट ना के बराबर खत्म। अब आप अमेरिका जाते हो, वहां पर रेसिज्म का आपको सिनेरियो देखने को मिलते हैं, कास्टिज्म के नहीं देखने को मिलते हैं। क्या आप ये कहोगे उनके वो उनके सरनेम है, ठीक है, हर्षी विलियम ये वो करके, तो आपको क्या कहते हैं, अगर आपका सरनेम नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी? जी नहीं, वहां पर काबिलियत के बेसिस पर जॉब मिलती है। मॉडर्न इंडस्ट्री जो है उसने हर प्रकार की जॉब क्रिएट कर रखी है आज के जमाने में। अच्छी बात यह है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में सबको काम निकलवाना होता है अपना, वो लेबर से कभी भी कास्ट नहीं पूछते, तो यहाँ पर कोई कास्ट रूल्स नहीं होते हैं। जो शहरी विकास हुआ, अर्बनाइजेशन हुई, और जो सिटीज़ के अंदर जो कलेक्टिव लिविंग की जो कंडीशन बनी कि सब लोग मतलब एक ही गली मोहल्ले के अंदर हर प्रकार से भाई सरदार भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी, काले गोरे छोटे नाटे मोटे लंबे, हर तरह के लोलू पोजू लोग सारे रह रहे हैं, इसकी वजह से हुआ क्या है,
आप कास्ट को सेग्रीगेट कर करके अगर देखना चाहोगे ना शहर में, ये बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तेज जिंदगी है, यहाँ पर हर किसी को अपना काम निकलवाना है। अगर आप ये बोलोगे हम वहाँ से दूध नहीं लाते, वो तो मुसलमान है, हम वहाँ से वो नहीं लाते, उसकी बैटरी रिक्शा में नहीं बैठेंगे, वो दलित है, ऐसा ये वाले काम कभी शहरों में चल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन को सर्वाइव करना पड़ता है, लोगों को एक दूसरे से काम निकालने पड़ते हैं। आपको फटाफट रश में कहीं पहुँचना है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आज तुम नहीं मिले घर तो हमारा सब कुछ ख़त्म। मुझे क्या लेना देना किसी से, कौन सा बैटरी रिक्शा और कौन सा क्या जा रहा है। लेकिन ये चीज़ ना, अब जो शहर में रहते हैं उनको सुनने में बहुत ज़्यादा डाइल्यूट लगती है, लेकिन आप में से अगर कोई गांव में रह रहा है तो आप समझ पाओगे, स्पेशली चुनाव के माहौल में, कि कास्ट कितना बड़ा रोल एक प्ले करता है। वहाँ पर छोटी छोटी ऐसी बातें चलती हैं, जैसे अगर आप में से किसी की दादी दादा पुराने ज़माने की हैं, कुछ भी हैं, जैसे ग्वालियर में ये चीज़ मैंने देखी है, कि मैं छोटी बातें बताता हूँ जैसे, और ये रियल एग्जांपल्स हैं, ये आप यूपीएससी में यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टॉपर्स ने कर भी रखे हैं, मेरे फ्रेंड्स ने भी कर रखे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कर रखे हैं। घर के अंदर कप अलग अलग है, आराम से समझो इस कंसेप्ट को। इसमें नॉर्मल लोग चाय पी रहे हैं, मतलब घर के सारे सदस्य वगैरह, एक कप आपने बना रखा है इस बात के लिए कि अगर हम लोग हैं ब्राह्मण, तो जो भी आपके ब्राह्मण मिश्रा शर्मा वगैरह आपके घर पे चाय पीने आएंगे तो उनको सबको इसी में कप में चाय आप दोगे। लेकिन अगर कोई आपको अगर लगता है कास्ट फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल बस मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ, ग्वालियर में मैंने ये वाली चीज़ देखी है, अगर कोई जैसे मतलब वहां पर ना ब्राह्मणों ठाकुरों का बहुत विवाद चलता रहता है यूपी एमपी में, तो कोई ठाकुर है जिसमें मान लो और आप उनको लोअर स्टेटस का समझ रहे हो, या कोई वहां पर वर्ड यूज होता है डायरेक्टली चमार, अगर आप किसी को ऐसे डिनोट कर रहे हो, करना नहीं चाहिए, वैसे भी पीनलाइज वर्ड है, कभी किसी को ऐसे चमार वगैरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग अगर जैसे बोल रहे हैं कि यार वो तो नीची जाति की है, ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट कप बन रखा है। दूसरा एग्जाम्पल, जो तुम्हारी मतलब जो तुम्हारे कास्ट से मैच करते हैं, जो हायर स्टेटस के हैं, तुम उनको चारपाई पर या पलंग पे प्रॉपर तरीके से बिठाओगे, लेकिन जो वैसे हैं जिनको तुम नीची जात बोल रहे हो उनको तुम जमीन में चटाई भी शायद से ही बिछाओ और ऐसे बिठा दोगे तुम उनको। ये चीज आप लोगों में से सुनने वाले जो कि रिलेट कर सकते हैं, अगर जो ठोस रूरल एरिया से जिनकी जड़ कनेक्टेड है, अगर वो कनेक्टेड है, तो आपने ये चीज देखी होंगी, ये चीज होता है ऐसे ही। जैसे मतलब मान लो मैंने ग्वालियर में ये चीज देखी कि अगर कोई चला आ रहा है तो कैटेगराइजेशन कर देती हैं दादी दादा, या फिर जो उधर के जो मतलब हर परिवार में ये चीज़ होती है कि वो आ रहे हैं, वो ना बनिया है उनके पैर मत छूना, वो ना नीची जात के उनके पैर मत छूना, ऐसा मत करना वैसा मत करना, उनके साथ ज़्यादा चिपक चिपक के मत बैठो, मतलब ये चीज़ ना अपर कास्ट के लोगों में वो प्राउड फील है, और नीची जात के लोगों में मतलब नीची जात जिसको वो बोल रहे हैं उनमें पता है क्या है, अगर वो आपसे उम्र में बड़े भी हैं ना, ये चीज़ मैंने होते हुए देखी है, अगर वो आपसे उम्र में बड़े भी हैं लेकिन उनकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि उनको बचपन से ये चीज़ सुनाया गया, तुम शूद्र तुम शूद्र तुम शूद्र तुम शूद्र, वो ना अगर आप 18 साल के हो और वो पर्सन 45 साल का भी है, तो वो आपके पैर छूने में हिचकिचाएगा नहीं हो, क्योंकि उसकी आदत हो गई है गुलामी करने की, झुकने की। यही साइकोलॉजी इनका स्टेटस चेंज नहीं कर पाते क्योंकि आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन यही चीज़ रशिया में होकर हुई थी, यही चीज़ कार्ल मार्क्स की वजह से हुई थी, यही चीज़ सोशलिज्म एंड सोशल रेवोल्यूशन में हुआ था, ये हम पढ़ेंगे मतलब जब भारत की पॉलिटिक्स को कवर करेंगे PSIR में। एट डिफरेंट लेवल मॉडर्न एजुकेटेड जो इंडियंस हैं दे अट्रैक्टेड टू द लिबरल आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड मेरिटोक्रेसी, यानी कि मैं पूरा समझाता हूँ, जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानी हैं वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते, कभी भी ऐसी बात नहीं करते, मुझे किसी बंदी से प्यार हो जाए जो कि मेरे कॉलेज में पढ़ रही है या कहीं पर भी है, अब मैं उससे ये थोड़ी ना पूछूंगा शहर में ऐसी बातें कहाँ चलती है कॉलेज वगैरह में, या तुम्हारा वो क्या है वो क्या है, सरनेम क्या है ये क्या है वो क्या है, शहरों में कशिश क्या चलता है, पहले स्मूच होती है, किस होती है, उसके बाद कुछ दिनों बाद पूछते हैं तुम लोग कौन हो, मतलब तुम लोग सरनेम क्या लिखते हो, ये फैक्टर भी शायद से कभी आता है जब ब्रेकअप होने लग गया या कुछ आ गया है, अच्छा ये साली याद रखती इसलिए 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 ऐसा करा इसने, ये ग्वालियर से थी इसलिए ऐसी निकली गद्दार। और अपने सारे व्यूअर्स को मैं बता दूं, ग्वालियर की लड़की से कभी भी इश्क मत लड़ाना,
उसके उधर के हवा पानी में ही गद्दारी है, तो अगर आपको ठुकना है, तशरीफ मरवानी है अपनी, तो आप जा सकते हो। ग्वालियर की कभी किसी लड़की से इश्क मत करना वरना आप ठुकोगे, ठीक है। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको खुद बता रहा हूँ, देखो इतने अच्छे दिल से, कि वहाँ की हवा पानी में गद्दारी है, तो आपके अंदर भी भर जाएगी वो गद्दारी। तो एट डिफरेंट लेवल जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस हैं वो इस चीज़ से फ़र्क नहीं करते कि यार ये कौन है, वो कौन है, ये कैसी है, वो वैसी है ना। आप हमेशा देख लो शहर में, कॉलेज वगैरह में, एक सुंदर लड़की के बगल में हमेशा एक सुअर शक्ल का एक बॉयफ्रेंड खड़ा रहता है उसका। और ऐसी अगर एक लड़का अगर आपको स्मार्ट देख रहा है, तो ढिंचक पूजा जैसी शक्ल की एक बंदी खड़ी रहती है उसके बगल में। लेकिन वो इश्क करते हैं दूसरे से, भाई डेली किस्तियाँ चल रही हैं, वो उसको बता रहा है कल ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिप बाम लगा कर आना, कल ब्लूबेरी लगा कर आना। वहाँ पर ये कास्ट का फैक्टर नहीं है, वहाँ पर फैक्टर है कि तू किसी और की ना होना फिलहाल, ये वाला फैक्टर है। अब क्या होता है, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन इस तरीके के लिबरल आइडियाज़ को अट्रैक्ट करते हैं, वो बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की, कि हम भी कुछ हैं, हमारी आइडेंटिटी भी कुछ है, की फ़र्क पहनता है कि हम लोग कपूर हैं, दुबे हैं, मिश्रा हैं, शर्मा हैं, उपल हैं, हरित हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअलिज्म के साथ साथ मेरिटोक्रेसी पे फोकस करा जाता है। अब ये वाला टर्म ना अलग से मीन्स का क्वेश्चन बन सकता है, ये हिडन सिलेबस का पार्ट है। मेरिटोक्रेसी का मतलब पता है क्या होता है, अगर आपको कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन को अबॉलिश करना है, अगर आपको सॉल्यूशन देने हो, तो आप एक तो लिखोगे कि इंडिविजुअलिज्म पे हमें फोकस करना चाहिए, लेकिन ये वाला पार्ट ना सबको लिख कर आता है, ऑलमोस्ट हर कोई लिख कर आएगा, जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शन होगा वो भी लिखेगा। मेरिटोक्रेसी एक अच्छा वर्ड लगता है मुझे। मेरिटोक्रेसी, जैसे कि आपको वर्ड से पता लग रहा है इसमें क्या वर्ड है, मेरिट। मेरिट मतलब जैसे आपकी काबिलियत के बेसिस पर भाई ये चीज़ होती है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा मैं। देखो, अगर आप कल को ये बोलने लगो हमारी प्रेसिडेंट तो अच्छी नहीं दिखती हैं, हमारी प्रेसिडेंट ऐसी हैं वैसी हैं, या किसी भी पर्सन की शक्ल सूरत को, तो शहरी आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी हो, वो आप पता क्या होगा, तू तो बहुत हॉट है, तू तो बहुत सुंदर है, तेरे तो बहुत एब्स हैं, तू तो बिल्कुल कैरा आडवाणी की शक्ल की है, तूने क्या उखाड़ लिया लाइफ में, तू तो एक नंबर की गवार है, 12वीं में 4 बार फेल हो चुकी, तू तेरे बाप ने पैसे दे देकर तो तेरे को 11वीं 12वीं तो करवाई है इतनी मुश्किल से, सिर्फ वैक्सिंग वाले टांगे दिखा दिखा के तो अट्रैक्ट करना जानती है, तो और किससे ज्यादा क्या जानती है बता। यहां पर फोकस होता है मेरिटोक्रेसी से। इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक चॉकलेट पाउडर लगाकर या फिर एक चॉकलेट वैक्स लगाकर मैं फोटो डाल दूं, उसकी वजह से कोई मेरे को प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के तख्त पे नहीं चढ़ा देगा। पढ़े लिखे लोग, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ने जब इस बात पे फोकस करना स्टार्ट करा, तो हुआ क्या, एक्सट्रीम कास्ट प्रैक्टिसेस अबंडन होना शुरू हो गई। अब इसके पीछे फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल थे, एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरिटोक्रेसी और इंडिविजुअलिज्म, लेकिन ये आया कैसे, ये आया एजुकेशन की वजह से, और ये आया लिबरल आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने की वजह से। और इसका अगर मैं बैकग्राउंड की बात कर दूँ ना, 1% चिल्लाते चिल्लाते सिखाते सिखाते मर गया, ऐसे 2-3% थे वैसे, तो उनमें से दो मेरे फेवरेट जो हैं किरदार, एक राजा राम मोहन रॉय जी और दूसरे स्वामी विवेकानंद जी। आज के ज़माने में एक दिल्ली के DPS में पढ़ा लिखा लड़का या लड़की घसा घस इंग्लिश नहीं बोल सकते। स्वामी विवेकानंद जी उस जमाने में, राजा राम मोहन रॉय जी उस जमाने में बाहर जाकर स्वामी विवेकानंद जी ने इतनी बढ़िया स्पीच दी थी, शानदार स्पीच, USA में जाकर के, और एक कॉन्फ्रेंस थी, आई थिंक वर्ल्ड रिलीजन की कोई कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट करके ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस थी शिकागो कॉन्फ्रेंस। इनका एक घटना बताता हूँ मैं। वहाँ पर क्या हुआ था, दो ब्लैक लोग वहाँ पर लड़ रहे थे और इनकी आंखों के सामने मर्डर हो गया एक आदमी का। अब क्या होता है कि उधर की पुलिस ने देखा कि चश्मदीद गवाह यही है वहाँ पर, तो इनको लेकर गए हैं वहाँ पर। अब क्या होता है कि वहाँ पर क्योंकि रेड इंडियंस भी रह रहे हैं, कुछ ब्लैक अफ्रीकन्स भी रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, सब लोग इंग्लिश नहीं बोलते, हमें ऐसा लगता है कि सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो जब ये वहाँ पर कोर्ट में हाजिरी हुई इनकी उसी टाइम पर, तो इनको बुलाकर पूछा जाता है कि आप बताओ कि क्या क्या हुआ था ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें उसको। मेमोरी इतनी शार्प क्योंकि इन्होंने 15 इयर्स का सीमेंट डिटेंशन करा हुआ था, तो इनके सारे के सारे सातों के सातों चक्रा बहुत ओपन थे, इंटेंस मेडिटेशन करते थे, और इनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और मेधा नाड़ी इनकी खुल रखी थी, मेधा नाड़ी एक ऐसी नाड़ी होती है
जो आपकी सीमेंट रिटेंशन से खुलना स्टार्ट होती है और उसके बाद आपकी फोटोजेनिक मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। इस घटना पे जाने से पहले कि इन्होंने कोर्ट में बोला क्या, मैं इनके बचपन में आपको लेकर जाना चाहूँगा। ये लाइब्रेरी जाते थे, बहुत जैसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जितनी जो मोटी मोटी किताबें होती हैं ये उसको इशू करवाते थे और अगले दिन वापस कर जाते थे। लाइब्रेरियन एक दिन इनको बुलाता है और ऐसे बड़ी सारी लाइब्रेरी से बाहर निकाले गए हैं, इनको बुलाता और कहता है कि तुमने मजाक समझ रखा है, तुम इशू मतलब ऐसे ही करवाने लेकर को जाते हो। और लाइब्रेरियन को शक होने लग जाता था फिर कि कोई इसने कोई ये पेजेस तो नहीं फाड़ लेता है इससे कुछ भी करके, या इसके एरोप्लेन तो नहीं बना लेता है। शुरू से मेमोरी इतनी स्ट्रांग, सीमेंट रिटेंशन और मेडिटेशन और एफर्मेशन करने की ताकत इतनी, ये लाइब्रेरियन से बोलते थे मालिक आप मुझे बताओ मैं आपको बताऊँ क्या, क्या ये बताऊँ पेज नंबर 692 पर थर्ड लाइन पर चौथा वर्ड ये है, या फिर मैं आपको ये बताऊँ पेज नंबर 514 पर तीसरा पैराग्राफ के अंदर सेकंड लास्ट लाइन ये लिखी हुई है। इतनी तेज इनकी मेमोरी थी कि एक दिन के अंदर हज़ार हज़ार पेज की किताब इनको आंखों में बस जाती थी। अब हुआ क्या, इसी फोटोजेनिक मेमोरी के साथ जब ये बड़े होते गए, इंटेंस मेडिटेशन करते गए, सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहे और सीमेंट रिटेंशन करते रहे, मेधा नाड़ी खुल गई और सातों चक्र खुल गए, अमेरिका गए, शिकागो वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस जो इनको अटेंड करनी थी उससे पहले घटनाक्रम हो गया, कोर्ट ने इनको बुलाया। इन्होंने बोला सर जी माय लॉर्ड द लैंग्वेज इन विच दे वर फाइटिंग आई एम नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ इट। मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं हिंदी जानता हूँ, मैं संस्कृत जानता हूँ, मैं बंगाली जानता हूँ, जो भी इन्होंने बोला, लेकिन मैं ये लैंग्वेज नहीं जानता। बट माई लॉर्ड मैं एग्जैक्टली उन वर्ड्स को रिपीट कर सकता हूँ जो ये लोग बोल रहे थे। तो जज ने रिकॉर्ड करा, कुछ घंटे लगे रिकॉर्ड करा, बाद में ये पता लगा कि एक बंदे ने दूसरे से कर्जा लिया हुआ था और उसके टाइम पे पैसे नहीं चुका रहा था इसलिए उसने उसके चाकू भोग दिया या गोली चला दी थी। इतनी शार्प मेमोरी थी कि मतलब वो चीज़ नहीं थी लेकिन वो बस गई जब ये देख रहे थे गंभीर तरीके से, क्यों, बिकॉज ऑफ फोटोजेनिक मेमोरी। ये चीज़ इस डिस्कशन में हमारी यूपीएससी की ये चीज़ प्रूव करता है कि मेडिटेशन एफर्मेशन सीमेंट रिटेंशन इतनी इंटेंस भी नहीं कि जितना दूर रह लिए सेक्सुअल एक्टिविटी से, इतना भी नहीं, लेकिन अब गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलता हूँ भाई, मैं तो सन्यासी भी नहीं बनना है लेकिन बच्चा ज़रूर पैदा करना है भाई, ठीक है, ये सब चीज़ें बढ़िया है। मेडिटेशन करते रहो साइमल्टेनियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज मत हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे ही छोड़ दिया, है ना, क्यों कशिश, इंसानी शरीर को बर्बाद क्यों करना है ना। तो ऑन द अदर हैंड इट वॉज रिमार्केबल हाउ रेजिलियंट कास्ट प्रूफ टू बी। तो जैसा कि आपने देखा जब शहरी विकास होता है या लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो लिबरल आइडिया जब अडॉप्ट करते हैं, तो जैसे मैं आपको ये वाली बात बता रहा था राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन रॉय स्पेसिफिकली ये वाली बात करते थे, दोस्तों अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा है मान लिया, लेकिन जस्ट बिकॉज हम उनके रूल के अंडर हैं उनको गलत मत समझो, उनसे अच्छी बातें सीखी जा सकती हैं। आप मुझे सच्चे मन से दोस्तों एक बात बताओ, सती प्रथा जो हमारे चलता है अच्छी बात है क्या, जो शूद्रों के खिलाफ जो डिसमिशन होती है अच्छी बात है क्या? आप साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि किसी की परछाई पड़ने से मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, या किसी ने जस्ट मुझे छू लिया तो दोबारा नहाना पड़ेगा? ये वाली बात है। ब्रिटेन मतलब ये ना बाहर से इंस्पिरेशन लेना चाहते थे, वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट करना चाहते थे, क्योंकि हमेशा बात करते थे साइंटिफिक टेम्परामेंट और उसकी, यही चीज़ें इंस्पायर्ड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, DPSP वगैरह के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रखा है। मुझसे सेंट स्टीवंस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है वो है क्या एक्चुअली, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आने की, सालों ने फिर भी रिजर्व लिस्ट में नाम लगा दिया था मेरा। ऑन द अदर हैंड ये रिमार्केबल है कि कैसे रेजिलियंट कास्ट, नहीं छोड़ो उसको, जो रिक्रूटमेंट होती है कभी भी इंडस्ट्रियल जॉब्स में, जिसमें मान लो आप ना MNCs में काम कर रहे हैं, या फिर हम थोड़ा सा पुराना चल के अगर देखें कि कोई पर्सन मुंबई के टेक्सटाइल मिल्स में काम कर रहा है, उस टाइम पे बॉम्बे बोला जाता था, या कलकत्ता या कोलकाता के जूट मिल्स में काम कर रहा है, या कहीं पर भी, तो वो कास्ट और किनशिप लाइन्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करा जाता था। लेकिन क्या ऐसा आज के टाइम में होता है मुझे बताओ कशिश, ऐसा सुना है कभी कि आप इस MNC में काम करोगे नोएडा वाली तो आपका डिपार्टमेंट, अगर आप कपूर हो क्षत्रिय हो तो आपको इस यही डिपार्टमेंट मिलेगा, आप कभी प्रमोशन वगैरह नहीं हो सकता आपका, या फिर आप कभी CEO या कुछ नहीं बन सकते, ऐसा कभी सुना है? एग्जाम कभी इस बेसिस पे होते हैं कि अपना सरनेम हाईलाइट करो कपूर, फिर आपको वो बोल देते हैं कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, नहीं होता, ठीक है। मिडल मैन हु रिक्रूटेड लेबर फॉर फैक्ट्रीज, ठीक है, वो जनरली शुरू के टाइम में जब ये कास्ट प्रक्रिया बहुत हावी थी तब वो क्या करते थे, वो ना जनरली ये कोशिश करते थे कि उनको अपनी कास्ट के लोग मिल जाए ना तो ज़्यादा बेटर है,
अपने रीजन के लोग मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये वही वाली बात है कि आप पहाड़ों पे गए हिमाचल प्रदेश घूमने, वहाँ थोड़ा रात को कोहरा वोरा हो गया और आप लॉस्ट लॉस्ट फील कर रहे हो वहाँ पे कि रास्ता तो नहीं भटक गए। आपने देखा है गाड़ी जा रही है, DL लिखा हुआ है उसके पीछे, दिल्ली की गाड़ी, उसके पीछे आपने अपनी गाड़ी लगा दी और उनको रोका कि भाई साहब हम आपके पीछे पीछे गाड़ी लगा लें, हमें मतलब साथ रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये चीज़ कंफर्टेबल आपको फील करवा देती है कि चलो दिल्ली वाले को ही हमें मिल गए और वही उनके साथ साथ हम पीछे पीछे जा रहे हैं वापस, ये चीज़ है। सो होता क्या था, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या शॉप की फ्लोर में एक ही कास्ट के लोग काम कर रहे होते थे। जो प्रेजुडिस था अगेंस्ट अनटचेबल्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा और ये शहरों के अंदर शुरू शुरू में एब्सेंट नहीं था, लेकिन इतना स्ट्रीम एक्सट्रीम में भी नहीं था जितना गाँव में था। और लेकिन जैसा कि आप जानते हो कास्ट फैक्टर कंप्लीट तरीके से जो अल्ट्रा मॉडर्न शहर है दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई ये रिड्यूस हो गया है। इस चीज़ को मैं बता भी सकता हूँ, जैसे मुंबई वालों का नेचर बहुत प्यारा होता है, उनकी जो हॉस्पिटैलिटी जो मेहमान नवाजी होती है नेक्स्ट लेवल की होती है। आप उनसे कोई भी हेल्प मांगो कोई भी रास्ता मांगो, देखो क्या होता है अब कई लोग पूछे कि मुंबई में गुंडागर्दी है या वहाँ से तो दाऊद निकला है, वहाँ से तो अनीस निकला है, वहाँ से तो इतने सारे डॉन निकले हैं। भाई देखो अच्छों के लिए अच्छा है मुंबई, बुरों के लिए फिर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, फिर वहाँ से तो फिर आपकी शूट आउट वर्ड आला है, शूट आउट लोखंड वाला भी हो सकता है फिर आपके साथ, बात यह है। लेकिन अब जैसे हम लोग एक मुंबई की लड़की को पकड़ते हैं, अंकिता बेला भगत, मुंबई के अंदर मुझे एक बात बताओ कास्ट फैक्टर कितना है? आप जहाँ काम करते हो, आप मार्केटिंग में थे, आपके हस्बैंड जो थे, मैं लाइव सब लोगों को अपनी ऑडियंस को सुन के वो बता रहा हूँ, अब ऐसा मत समझ जाना कि सोशो के डिस्कशन में इतना वो क्या करते जा रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा तो अपने मुंह पे काली पोतल और निकल जाओ यहाँ से, मेरा चैनल है मैं तो ऐसी बात करूँगा। और इस एटीट्यूड से अगर आपका UPSC निकल जाए तो मुझे भी बता देना, मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो अंकिता कास्ट फैक्टर वहाँ पर होता है कि नहीं होता बताओ? नहीं होता, क्यों नहीं करता? इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब एक्चुअली इससे है ना, इससे भी ज़्यादा मतलब लोगों के पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए रेदर देन फोकसिंग ऑन इट। रशिया में कभी सुना है, मान सकते हो कि कास्ट फैक्टर होता होगा? सुना है? हमने पूरा रशियन रेवोल्यूशन USSR का डिसइंटीग्रेशन भी कर लिया, कहीं पर भी डिसइंटीग्रेशन या फिर क्या था वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हो गया था वो कौन सी शॉक, हाँ शॉक थेरेपी, कभी भी इसके पीछे रीजन सुना कि कास्ट ऐसा फैक्टर वर्क कर रहा है इसके पीछे? नहीं ना, ये चीज़ है। तो नॉट सरप्राइजिंगली इट वॉज द कल्चरल एंड द डोमेस्टिक स्फेयर्स जहाँ पर कास्ट जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है आज तक हमारे देश के अंदर, एक अलग अलग लोगों के कल्चर में और दूसरा फिर घरों में। घरों में कैसे, ये वाली बात पता है पहले ही मैंने क्यों बताई आपको एग्जाम्पल देकर, ये घरों की बात वही कि इसके पैर मत छूना, उनका कप अलग बना दो, उनको अलग बिठा दो, ये वाली बात अभी बताया ना मैंने, घर में जब लोग आते हैं लोग पहले से क्या देते हैं, ओए ओए सुनो सुनो ये वो हैं ठाकुर हैं इनके पैर मत छूना, हम लोग उच्च बिरादरी के हैं, ये इतने बिरादरी के नहीं हैं, ऐसी चलती हैं बातें। अनुज से पूछ लो, अनुज नहीं होती ऐसी MP UP में बातें बताओ, नहीं होती ऐसी, बिल्कुल होती हैं। तो एंडोगैमी जो है, एंडोगैमी का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट, ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं रहा मॉडर्नाइजेशन और चेंज से, मतलब मॉडर्नाइजेशन जो चेंजेस आए हैं ना बेटरमेंट के लिए, लेकिन एंडोगैमी का जो फैक्टर है ना उसमें स्ट्रेंथ कम नहीं हुई। आज भी लोग अपनी कास्ट में शादी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कशिश अगर कल को ये बोल दे कि कोई लड़का है वो क्षत्रिय है यानी कि उसी की कास्ट के आसपास बिलोंग करता है तो घर वाले मान जाएंगे, लेकिन कितने भी मॉडर्न है ना, कितने भी मॉडर्न है, अगर वो बोल दे ये खान है या अंसारी है ये कुछ भी है तो वो कहेंगे एक बार सोच लेंगे, चाहे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मना कर देंगे लेकिन एक बार सोच लेंगे। इवन टुडे मोस्ट मैरिजेस टेक प्लेस विद इन कास्ट बाउंड्रीज, ये वाली बात है जो मैंने आपको बताया, ऑल्दो देयर आर मोर इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं लेकिन ज्यादातर कास्ट बाउंड्रीज के अंदर होती हैं। देख रहे हो कास्ट बाउंड्रीज, कास्ट बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि कोई यादव किसी यादव की लड़की से ही शादी करेगा, वो आसपास सबसे क्लोजेस्ट जो रिलेशन होगा ना वही ढूंढने की कोशिश करेगा। डिफरेंस देखो कुछ नहीं होता, लव मैरिज के अंदर एक बंदी बंदा खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किसके साथ सेक्स करना है, किसके साथ बच्चे पैदा होंगे हमारे। अरेंज मैरिज के अंदर लड़की का बाप ढूंढ कर ला रहा है कि बेटा इसको मैंने चुना इसके साथ सेक्स कर ले, ठीक है, और लड़की का बाप वो ढूंढ कर लाया कि ये लड़की तेरे लिए कंफर्टेबल रहेगी, इसके साथ सेक्स करके बच्चे पैदा कर दिए, बस इतना डिफरेंस रहता है और कुछ नहीं होता।
वेल सम बाउंड्रीज मे हैव बिकम मोर फ्लेक्सीबल या पोरस, कि मतलब वो इन्वाइट करते हैं कि येस यू कैन मैरी बेटा, आप अपनी चॉइस का बंदा ढूंढ लो, बंदी ढूंढ लो. लेकिन जो बॉर्डर्स होते हैं ना, द बॉर्डर्स बिटवीन ग्रुप ऑफ कास्ट ऑफ सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये एक नई चीज़ आ गई है कि अगर चलो वो भी ना हो, लेकिन अब ऐसा भी तो होना, ऐसा भी तो नहीं होना कि कल को प्रिया कह रही है पापा मैं दिल्ली गई थी, मेरा सिलेक्शन तो हो गया है और एक बंदे से मुझे प्यार है. वो पापा ने बोला, पापा ने बोला वो क्या करता है. जी पापा जब मैं कोचिंग से बाहर निकलती थी तो वो चाय पिलाता है मुझे अदरक वाली, चाय की टफरी है उसकी करोल बाग में, पूरे दिन मेहनत करता पापा, सुबह से शाम तक 520 कप पिला देता सबको चाय. लेकिन बात आ जाती है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की. फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिजेस विद इन द अपर कास्ट लाइक ब्राह्मण, बनिया, राजपूत. अब ये वाले एग्जाम्पल आपको लगता होगा कि हार्श टोन में यूज कर रहे हो, भाई ये बुक ही ऐसी है. सोसाइटी में बच नहीं सकते आंसर से, इंडिया की जो रियलिटी है कड़वी जरूर है. हम लोग तो मैं तो आपको ये तक पढ़ाने वाला हूँ मीन्स की आंसर राइटिंग में. पता है क्या, ये लाइन लिखवा कर आऊंगा मैं आपको. नवरात्रे पिज्जा, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट. कशिश याद है मैंने आपको हिंट भी दी थी एक बार इसके चक्कर में कि नई नौटंकी बात आ गई है वो, कि हम लोग वेस्टर्न से इंस्पायर्ड है तो पिज्जा नहीं छोड़ना लेकिन नवरात्र पिज्जा वाला कंसेप्ट है ना. एक जैसे एक वो चलता है कि करवा चौथ तोड़ रहे हो, मैं ये भी लिखवाऊंगा ब्रेकिंग करवा चौथ विद अ ग्लास ऑफ बियर. ये सच में होता है कशिश, आपको तो पता ही होगा, मयूर आपको भी पता होगा. कई लोग जैसे अब पूरे दिन से खाई है नहीं, वो करवा चौथ के व्रत रख के अब कल को रात को चीर फाड़ डाले पता चला बंदी, तो उसको अब वो पीती भी है मान लो हस्बैंड के साथ. तो जी आपकी पूजा वूजा तो मैंने उतार ली, छन्नी वन्नी साहब को देख लिया बेफालतू में, चंदा मामा को भी देख लिया, चलो अब एक एक करके सट गाते हैं, तो चले गए बियर खोल ली. कितने लोग तो अपने करवा चौथ के व्रत तोड़ रहे होते हैं, आप क्लब वगैरह पब जाओगे करवा चौथ की रात में बियर से. शौक है भाई, शौक बड़ी चीज़ है. बट मैरिजेस बिटवीन एन अपर कास्ट एंड बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट पर्सन आज के टाइम में भी ये रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है. समथिंग सिमिलर में हैव अकर्ड विद रिगार्ड टू रूल्स ऑफ फूड शेयरिंग. ये भी चीज़ के खाना किसी नीची जाति के साथ बैठ के मत खाओ, ये भी चीज़ें चलती हैं. अनुज आपने सुना होगा ना कि ये गाँव में बातें चलती हैं कि नीची जाति के साथ बैठ के खाना खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी. सुना पक्का ये लाइन सुनी होगी, पक्का गारंटी. होता है कि नहीं होता ऐसा बताओ, मतलब सॉरी बोला जाता है कि ऐसा कि नहीं बोला जाता, होता नहीं है, है कि नहीं. फूड शेयरिंग से यार देखो ऑब्वियस ही बात है, आप सब लोग देखो पढ़े लिखे लोगों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये चीज़ है तो ना, वैसी करके है तो ना. अब फूड शेयरिंग की यहाँ पर चलो कास्ट को तो हटा ही दो, कास्ट को हटा दो, आप बहुत सारे लोगों की, मैं इनफैक्ट 99% लोगों की कह सकता हूँ कि शक्ल बन जाएगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस बात के ऊपर, कि अगर आप अपने आप को इमेजिन कर लो, जो भी आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कशिश याद है ना ये वाला एग्जांपल, ट्रांसजेंडर आपको कुछ पराठा या रोटी कुछ ऑफर कर रहे हैं, मतलब जो भी वो बना कर लाए हैं, हिजड़ा कम्युनिटी आपको ऑफर कर रही है कुछ, आपने उनको ऑफर करा था, उन्होंने ले लिया, फिर उन्होंने अपना टिफिन खोला थोड़ी देर बाद, फिर वो आपको दे रहे हैं. अब आप ना हिचकिचा रहे हो, नहीं जी मेरा पेट खराब है, नहीं मेरा वो है, ऐसा है वैसा है. कुछ लोग खा भी सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ये चीज़ ना एक लोगों के अंदर एक अलग सी भावना पैदा कर देती है. जैसे रेड लाइट पे आप हो, कुछ हिजड़े आए, उन्होंने पैसे मांगे या कुछ भी, आपके सर पे हाथ रखा वो करके, यू फील अ बिट ऑकवर्ड, शक्ल देख लेना लोगों की. इसलिए अगर मान लो कोई भी एक पर्सन जो प्रॉपर मेल है, जेंडर से अलग अलग सबके भाई, प्रॉपर ट्रांसजेंडर है, प्रॉपर फीमेल है, प्रॉपर लेस्बियन है, LGBTIQ कम्युनिटी है, एक बंदा अगर ये घूम रहा है, ये बोलते हुए यार ये मेरा एक गे फ्रेंड है, सोसाइटी की इंटरप्रिटेशन क्या है, ये दोनों गे हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप में होंगे और करते होंगे आपस में कुछ, ये चीज है ये. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा चीज अच्छी है ये वाली, वहां पर जरूरी नहीं है कि आपका कोई मतलब अगर आपका कोई गे फ्रेंड है या कोई, अगर आप लड़की और आपकी लेस्बियन कोई फ्रेंड है तो आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बना रखी है इसके साथ,
ऐसा कुछ भी नहीं है। नोज पियर्सिंग कोई लड़का करवा ले, द टर्म्स यूज इज मीठा है ये तो। और लड़के भी फिर आजकल बहुत अजीबोगरीब हो रहे हैं फैशन डिजाइनर की इंडस्ट्री में, रह रहे कि ऐसा हो जाता है कि आप समझ सकते हो उस चीज़ को। इवन देर आर सम एड्स अच्छी बड़ी फैशन यूनिवर्सिटी से निकलते हुए और उससे करते हुए नेल पॉलिश तक यूज कर रहे हैं लड़के यार। परहैप्स मोस्ट इवेंटफुल एंड इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑफ चेंज जो कि देखा गया वो पॉलिटिक्स में देखा गया है। फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स शुरू से ही कास्ट से शेप्ड है, कंडीशन मतलब शेप्ड है। इसकी जो फंक्शनिंग है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई, और ज़्यादा हार्ड होती चली गई प्रेडिक्ट करना, बिकॉज हम ये चीज़ बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि कास्ट जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 1980 से ही हमें ये देखने को मिलता है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में इमर्ज हुई हैं, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी, किसकी, मायावती जी की है ना मेरे ख्याल से। हाँ, इन अर्ली जनरल इलेक्शंस ये देखा गया था कि कास्ट की जो सॉलिडेरिटीज हैं ये आपको ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकती हैं कि अगर आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यूज कर लो तो क्या आप इलेक्शन जीत भी सकते हो। लेकिन ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है क्योंकि कुछ पार्टीज जो है वो कास्ट बेस पे बनी, कुछ पार्टीज है वो कास्ट एज सच नहीं बताती कि हम इस कास्ट के लिए हैं पूरे प्रॉपर, क्योंकि उनको लगता है फिर वो नैरो होकर रह जाएंगे, लेकिन वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलती हैं। सोशियोलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ नए टर्म्स दिए, कुछ नए कंसेप्ट यूज करे हैं, ठीक है। इनमें से दो चीजें बहुत कॉमन है, दो टर्म्स, एंड दिस क्वेश्चन इज श्योर शॉट टू कम इन मेनी पेपर्स, श्योर शॉट 100% गारंटी, संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट, दोनों की दोनों टर्म MN श्रीनिवास ने दी थी, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।